राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठ ने पुलिस वेलफेयर को लेकर तमाम जिला मुख्यालयों पर पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया और उनसे उनकी आवश्यकताओं को लेकर जानकारी ली। महामारी के दौरान पर्याप्त व्यवस्थाएं पुलिस महकमे को मिले और वह सुरक्षित रूप से ड्यूटी कर सके, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई गई। इस दौरान वेलफेयर से संबंधित सभी विषय को लेकर रेंज आईजी एस सिंह थिर, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, जीआरपी एसपी भंवर सिंह के साथ ही अलग अलग अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया। रेंज आईजी ने बताया कि समय समय पर पुलिस वेलफेयर को लेकर अधिकारियों द्वारा बैठक की जाती रही है और इस महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों को किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है, इसे लेकर सवाल जवाब किए गए, जिससे कि जल्द से जल्द निदान किया जा सके। प्रमुख तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों के इलाज को लेकर प्रमुख चीजें सामने आई है और पर्याप्त व्यवस्थाएं सभी को मुहैया हो, इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा पुलिस लाइन क्वार्टर के साथ साथ अन्य स्थानों पर रखरखाव को लेकर भी जानकारी ली गई है। डीजीपी साहब ने स्टेट लेवल की स्टाफ काउंसिल मीटिंग लिया था, इसमें जो डिपार्टमेंट लेवल पे जो डिपार्टमेंट की इश्यूज रहता है, वेलफेयर संबंधी इश्यू है या स्टाफ संबंधी इश्यू है, और उसके बारे में राजस्थान के सभी जिलों से, सभी बटालियन ट्रेनिंग सेंटर से, जवान से लेकर अधिकारी तक सभी ने अपने अपने बात उठाया। मुख्य रूप से यदि इंटरनल इशू है, जो प्रमोशन संबंधी बातें हैं, वेलफेयर संबंधी बातें हैं, या कोई समस्या लोकल रहती है, बिल्डिंग की समस्या है, कोई मरम्मत की समस्या रहती है, इन ऐसा समस्याओं के बारे में लोगों ने बात उठाई। पुलिस अभी जो है इस महामारी के दौर में काम कर रही है, उनके वेलफेयर को लेकर या उनको मजबूत करने के लिए भी चर्चा, इसके लिए डीजीपी साहब ने हर जगह, हर जिले में 4 से 5 लाख रुपये अलाट किया है, इसलिए पैसा की कमी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर जैसे इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। साथ साथ हर जिले में मेक शिफ्ट कोविड सेंटर भी एक तरह से टेम्परेली तैयार कर दिया, ऑक्सीजन सपोर्ट है, कुछ एक जगह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने की भी प्रयास चल रही है, और ऐसे कोई विशेष समस्या नहीं है, और हमारे तरफ से बेहतर ढंग से इसकी तैयारी करेंगे। किस तरह के मुद्दे जो है सामने आए, मुख्य रूप से किन विषयों को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है? तो माहौल, जो माहौल कोरोना का, कोविड का माहौल है, इसलिए उसका इश्यू ज़्यादा चल रहा था, कितना लोग संक्रमित हैं, कितना लोग हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, इस टाइप की बातें चली थी। उसके अलावा बाकी वेलफेयर संबंधी बहुत सारा बातें, प्रमोशन रिलेटेड समस्या है, कोई अलाउंस रिलेटेड समस्या है, स्कॉलरशिप लेने के बारे में बात है, और कहीं बिल्डिंग नहीं है, या कहीं छुट्टी टाइम पर नहीं मिल रहा, या कहीं मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, इस टाइप की बातें। समाधान को लेकर क्या? समाधान के बारे में काफ़ी हद तक साहब ने तुरंत, जाम जो हो सकता था तुरंत त्वरित समाधान कर दिया, कुछ एक जो पेंडिंग इश्यू या सरकार से संबंधित है उसके लिए अलग से कोशिश की।